कभी कहते हैं ना कि जो आंखों को दिखाई देता है वो होता नहीं है, वही टीका मलखान टिल्लू के साथ में हो रहा है। जो कम्बका जो दिखाई दे रहा है वो सच आदमी नहीं है, वो कोई गलत आदमी है। तो भैया से हमारा कोई लफड़ा है गया है? बता पहले। क्या बता सारों ने इतना मारो है लिटा के बिटा के उठा के हर एंगल से तोड़ो है, हड्डी तोड़ दी है गई। कसम से कह रही हूँ, जिंदगी में पहली बार ऐसे पैसे बदनसीब साबित हुए हमारे लिए कि हम चाह नहीं रहे ये पैसे ले, लेकिन सक्सेना हमारे उंगली किए जा रही है कि भैया लेना पड़ेंगे, कोर्ट का मामला है, और वो जो है वो है नहीं, जो है वो है नहीं, बस इसी लफड़े में फंसे हुए हैं। आपकी भुलाई जाते हो रही है, वही मतलब अलग ही विभूति जी का बिहेवियर दिख रहा है, जहाँ छुप छुप के लंगूरी भाभी से मतलब रोमांस किया जाता था, अब तो खुल्ला खुल्ला हो रहा है सब। वो तो नैनो के बाण चला रहे हैं वहाँ पर, ये सारे बाण हमारे लग रहे हैं आगे, वो असली बाण हमारे लगाते हैं। नहीं बाण तो हम लगा रहे हैं, लेकिन वो असली वाले नल्ले सेठ ना है, वो कोई और बाण चला रहे हैं। कौन है? बत्ता खोला है, खुल चुके हैं भाई। लंगूरी बोल दी, पहले बोल दी, बोल दी, अरे तेरा वाला बात ये है भैया, जहाज भी करना सारे का इतने बड़े बड़े साइज के कीड़े पड़ेंगे, सारा पैसा तो दे तो ना है, ऊपर से ब्याज के रूप में पिटाई दे तो है। अरे मोरी हमारी हमारी आराम से आदमी बन जाओ, बेटा हो गया बच्चे हो गया। हाँ ठीक है, ऐसा है कि हमारी गर्लफ्रेंड जो हैं वो सबर का बांध तोड़ चुकी है बस, लेकिन हम सब ने कोशिश करी कि बांध बनाए, पैसे ले गए, उनको फिल्म दिखाए, बस चक्कर में पड़े हुए। कभी टीका मलखान टिल्लू को कभी पैसे मिले जिंदगी में है? मिले भी है तो क्या उनके पास में रहे? कभी नहीं हो सकता ऐसा कभी जिंदगी के अंदर। और जैसी हालत चल रही है ना, तो मुझे लगता नहीं कि हम पैसे मांगने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम गरीब ही ठीक है। जहाँ तहाँ से पैसे लेके आए हम, उसको विभूति मैंने लिए और वो अपना काम निकाल लिया उन्होंने, और वो जो वो तो निकल लिए, नकली आदमी आ गया, नकली आदमी हमें ठोकरा पकड़ पकड़ के, आप सोचिए क्या स्थिति हो रही है हमारी। नतीजा ये है कि हम तीनों ऐसे बदकिस्मत हैं, गरीब हैं, कि ये कह सकते हैं कि बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई। हाँ। हम तीनों का घर मिट्टी का था, हम तीनों पे ही बारिश हुई। अरे मोरी भैया बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑडियंस जो भी हमें देख रही है, इतना प्यार दे रही है, और शायद उन्हीं का प्यार है कि आज तक भाभी जी को 5 साल होने वाले और ऊपर वाले की कृपा रही तो हम और भी आगे जाने वाले तो हो चुके हैं, मार्च में हो जाएंगे, मार्च में। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर गर्ल्स प्यार दे रही हैं तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, और बाकी सब जो प्यार दे रहे हैं बस वो ऐसे देते रहें, और टीका मलखान टुल्ली को जो आप प्यार दे रहे हो ना वो प्यार बनता रहे, भाभी जी घर पर देखते रहिए, वरना कसम से कह रही हूँ एक एक के गुर्दे छील दूंगा। इसने पहली बात जो कही ना कि जो पहले शादी से पहले वाली शादी के बाद वाली, ये देखो भाई असली नाक दिख रही है नहीं, ये वैसी हो रही है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, भाभी जी घर पे है कि सभी मतलब हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे दो दोस्त लोग हैं, सबका एक ही मैसेज है कि जीवन में जो भी हालात आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, सबको खुशी खुशी सहन करें, हंसते रहें जिंदगी में। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग भाभी जी घर पे मंडे टू फ्राइडे एट 10:30 ओनली ऑन आई एन टीवी।